हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया का लेटेस्ट सर्कुलर शेयर करेंगे। इनबेफ ने अब आईबीए और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के खिलाफ लीगल बैटल स्टार्ट कर दी है। इनबेफ ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में एक पटिशन फाइल की है, जिसमें कि बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। अब हम बात करते हैं कि इस सर्कुलर में इनबेफ ने किन किन इश्यूज के बारे में बात की है। सबसे पहले तो इनबेफ का कहना है कि बैंक एम्प्लॉयज हमारी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके साथ साथ इस पैंडेमिक की सिचुएशन में भी बैंक एम्प्लॉयज लगातार डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की तरह अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन बाकियों को तो गवर्नमेंट ने कोविड वॉरियर्स डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बैंक एम्प्लॉयज को निगलेक्ट किया गया है और उन्हें सिर्फ सिंपथी ही दी गई है। बैंक एम्प्लॉयज को ना तो कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है और ना ही उन्हें कोई इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। बैंक एम्प्लॉयज कोविड 19 के पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं। इनबेफ ने काफी बार आईबीए और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को इसके बारे में लेटर्स लिखे हैं और उन्हें अपील भी की है कि बैंकर्स के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और उन्हें भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए, लेकिन उन सभी लेटर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए अभी इनबेफ ने कोर्ट में एक रिट पटिशन फाइल की है, जिसमें कि बैंक एम्प्लॉयज को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिलाने की बात कही गई है और इसके साथ साथ उन्हें जो डेथ कंपनसेशन मिलता है उसकी भी बात की गई है। बैंक्स में कई बैंकों ने तो डेथ कंपनसेशन के रूप में 20 लाख का पैकेज दिया है और कुछ बैंक्स 50 लाख तक दे रहे हैं, लेकिन कुछ बैंक इतना भी पैकेज नहीं दे रहे हैं, तो ये भी बैंकर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट, कई स्टेट्स में 5 डेज पर वीक बैंकिंग अलाउ कर दी गई है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और बाकी सभी स्टेट्स में बैंकर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है और वहाँ पर 5 डेज वीक अलाउ नहीं किया गया है। कुछ बैंक्स तो अपने एम्प्लॉयज को सैनिटाइजर, मास्क, हैंड वॉश और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के टाइम में। इसके साथ साथ लॉकडाउन में लीव की भी काफी दिक्कत आ रही है एम्प्लॉयज को, और इन्हीं सभी बातों के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल की गई है। इनबेफ ने इन सभी चीजों का ही अपोज करने के लिए रिट पिटीशन फाइल की है, क्योंकि इनबेफ पहले भी आईबीए और फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसके बारे में लेटर लिख चुका है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने के कारण इनबेफ ने अभी रिट पिटीशन फाइल कर दी है। और इनबेफ को पूरी उम्मीद है कि बैंक एम्प्लॉयज को बॉम्बे हाई कोर्ट से जरूर कुछ राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बैंकिंग और बायपार्टाइट सेटलमेंट की अपडेट्स के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।